हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम लेके आए हैं आपके पास ये बीन्स और कोकोनट की सब्जी। फ्रेश कोकोनट हम इसमें यूज करने वाले हैं। ये मैंने बीन्स को बहुत बारीक काट लिया है, 150 ग्राम है ये बीन्स। और ये मैंने 4 से 5 करी लीव्स ली हैं, 1/2 टीस्पून ड्राई ली है, 1/4 टीस्पून हम हल्दी यूज करेंगे, नमक स्वाद के अनुसार यूज करेंगे। और ये 1 प्याज को मैंने बारीक काट लिया है, ऑयल लिया है, और ये हमने लिया है फ्रेश कोकोनट जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। ये 1/2 कोकोनट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, तेल जो है वो गरम हो गया है। 1 टेबल स्पून आप ऑयल ले सकते हैं। और इसमें हमने राई और करी लीव्स डाल दी है। अब हम डाल देंगे इसमें प्याज। ये मैंने अपनी एक फ्रेंड के घर खाई थी और मुझे बहुत टेस्टी लगी थी, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करती हूँ रेसिपी। ये हम प्याज इसमें अच्छे से भून लेंगे। गैस को स्लो टू मीडियम ही रखेंगे ताकि प्याज जो है वो जले नहीं। प्याज भून गया है और अब हम इसमें डालेंगे ये हल्दी। इसको मिक्स करेंगे और साथ ही में हम डाल देंगे इसमें ये बीन्स। ये बहुत बारीक कटी होनी चाहिए तभी अच्छी लगती हैं, जल्दी से पक भी जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इनको मैं मिक्स करती हूँ। और मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए मेरी वीडियोज़। और बेल आइकन प्रेस करना है क्योंकि तभी मेरी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। ये देखिए, हमने ये अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार। ये देखने में भी अच्छी लगती है सब्जी और खाने में भी टेस्टी लगती है, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। ये अब हम इसको, मैं ढक के नहीं पका रही हूँ क्योंकि कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, ये जल्दी पक जाएगी। आप चाहें तो ढककर भी पका सकते हैं। तो इसका गलने की इंतजार करते हैं। देखिए, ढककर हमने 1 मिनट के लिए ढककर भी पका लिया इसको और ये बहुत अच्छे से तैयार हो गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये पिसा हुआ नारियल, कितना फ्रेश नारियल है, और इसको मिक्स करेंगे। इसको आप मिक्स करके भी एकदम यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको 1-2 मिनट पका भी सकते हैं। तो मैं इसको 1 से 2 मिनट ऐसे चारों तरफ से मिलाते हुए इसको पकाऊंगी, भूनूंगी। ये देखिए, मैंने ये वाली बीन्स यूज की हैं, फ्रेंच बीन्स। इनके दोनों साइड से कट करके और फिर हम इस तरह से बारीक इसको चॉप कर लेते हैं। अब ये देखिए कितनी परफेक्ट सब्जी बनकर तैयार है। फ्रेश नारियल के साथ हमें भूनते हुए इसको 2 मिनट हो गए हैं और ये 5 मिनट में बनने वाली सब्जी है। अगर आपने फ्रेंच बीन्स पहले से काट के रखे हुए हैं, पहले दिन आप तैयारी कर लीजिए तो सुबह फटाफट आप एक सूखी सब्जी जल्दी से तैयार कर सकते हैं। और ये सब्जी मेरी साउथ इंडियन फ्रेंड ने खिलाई थी मुझे। मुझे नहीं पता कितनी ऑथेंटिक है, बट मैंने ट्राई की है और आप जरूर बनाइएगा। तो इसकी करते हैं प्लेटिंग। तो ये देखिए, यमी सी लगने वाली हमारी एकदम अलग सी सब्जी बनकर तैयार है। अब हम इसको थोड़ा सा फ्रेश कोकोनट से गार्निश कर देंगे और ये करी लीव्स से सजा देंगे। तो मुझे लगता है आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।